शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। उसके पास फिल्म का टिकट मिला सर। चमतक सिनेमा। यस सर, ये दो टिकट बुक की गई थी सर। सर उसके पास एक बैग था, इसी ने हमारे बेटे का अपहरण किया था और किडनैपर ने ये पैसे वहीं मंगाए थे। ओह नो, एक और मौत, बिना सर की लाश। अब तक ये पता नहीं चल रहा है कि वो कटे हुए सिर उसने कहां छुपा के रखे हैं। सर, ये ब्यूरो के बाहर कोई पार्सल छोड़ गया था सर। कौन छोड़ कर गया? पता नहीं सर, पार्सल पे कोई नाम और पता तो लिखा नहीं है सर। हेलो सीआईडी, खोलो जरा बॉक्स, देखो अंदर क्या है। My God, पूर्वी को मार दिया उन लोगों ने। ये नहीं हो सकता, पूर्वी नहीं मर सकती। ये तो मर चुका है, तो फिर पूर्वी का खून किसने किया? एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। सर गड़बड़ तो है, देखा? हाँ सर, इसके सर के नीचे नसें ही नहीं है। क्या, सर के नीचे नसें नहीं है? मतलब ये सिर नकली है? हाँ काजल, ये नकली सिर है। मोम से बना हुआ या फिर रबर से? इतना गंदा मजाक। और सर, इस सिर को ब्यूरो के बाहर रखा था उसने। सर हमें इस मजाक को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हो सकता है ये कोई चेतावनी हो। वाकई में पूर्वी की जान खतरे में हो सर। सर मैं अभी पूर्वी को फोन करती हूँ। मगर पूर्वी तो कल हमारे साथ थी प्रेस कंट्रोल कंपनी में। हाँ सर, उसके बाद वो अपने घर चली गई थी। सर पूर्वी फोन नहीं उठा रही है। पूर्वी फोन नहीं उठा रही है? सर तय ठीक कह रहा है, ये कोई चेतावनी है सर, कुछ होने वाला है। अभिजीत, हम अभी के अभी पूर्वी के घर चलते हैं। पूर्वी अभिजीत, यहां पर खून है सर, लगता कुछ हुआ है यहां पे। पूर्वी, ये निशान उस कमरे की तरफ जा रहा है। पूर्वी पूर्वी को कुछ सचिन काम करो, तुम और काजल जाकर देखो पूर्वी का कुछ पता लगता है क्या। जल्दी पूर्वी की क्रिस्टल सर, गन पाउडर की स्मेल भी नहीं है। माय गॉड, हुआ क्या है यहां पर? Thank you.
अभिजीत ऐसा हुआ होगा। पूर्वी का कहीं भी कुछ पता नहीं चला। हाँ सर, बिल्डिंग के सभी आदमियों से पूछ लिया, यहाँ तक कि वॉचमैन से भी पूछ लिया सर, किसी को कुछ पता नहीं पूर्वी के बारे में। ये कौन कहीं पूर्वी का तो नहीं? ये तो अभिजीत अब सड़ों के ही बता सकता है कि ये खून पूर्वी का है या और किसी का। ये खूनी लोगों के सर काट कर अपने साथ लेकर जाता है, अधड़ को पीछे छोड़ जाता है। आखिर ये लोगों के सरों को काट के करता क्या होगा? सर मुझे लगता है ये कोई मानसिक रूप से बीमार सीरियल किलर है सर, जो एक के बाद एक लोगों के सिर काटे जा रहा है। You're right, विवेक। अगर इस खूनी को जल्दी से पकड़ा नहीं गया तो लोगों के दिलों में डर बैठ जाएगा, असुरक्षित महसूस करेंगे वो इस शहर में। एक काम करो, इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो उस खूनी के बारे में कुछ पता चलता है क्या। देव का तो नहीं लगता है सर। अबे किसी और का वॉलेट मिला है सर, इसमें किसी परिवार की तस्वीर भी है सर। कितने सारे विजिटिंग कार्ड्स? किसी रोशन के हैं? फिर तो ये वॉलेट रोशन का ही होगा सर, कोई आदमी किसी और के इतने सारे विजिटिंग कार्ड्स क्यों रखेगा। हाँ एक काम करो बे, इस रोशन को फोन करो, देखो क्या पता चलता है। इस किताब में सर की फोटो देखने में काफी अभी लग रही है सर। इस किताब में फोटो क्या कर रही है? इस लड़की का देव के साथ कोई संबंध तो नहीं था? दोनों फोटो को ध्यान से देखो, इस फोटो में ये आदमी और ये लड़की, इन दोनों को यहाँ इस घर में आते हुए देखा है कभी? इस लड़की को तो नहीं देखा साहब, पर हाँ ये आदमी आज आया था देव के साथ यहाँ पे। यहाँ से वो पहली बार आया था या अक्सर आता है? पहली बार साहब। पहली बार सर। रोशन के घर पे बात हुई? हाँ सर, रोशन जी की बीवी के साथ बात हुई सर। क्या कहा उन्होंने? सर वो कह रही थी कि रोशन जी घर वापस नहीं आए सर, लापता है।
तो कहीं ये लाश रोशन की तो नहीं है? संभालिए अपने आप को। हमें पता है ये सही वक्त नहीं है आपसे कुछ सवाल करने का, मगर क्या करें? अगर रोशन की खूनी को पकड़ना है तो हमें आपसे कुछ सवाल करने ही पड़ेंगे। पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये बताइए, क्या रोशन किसी देव नाम के आदमी को जानता था? नहीं तो सर। ये पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं? जी बिल्कुल। मैं भैया के सारे दोस्तों को जानता हूँ, उनकी किसी देवराम के आदमी के साथ कोई जान पहचान नहीं थी। अच्छा, पर ये सर, ये देव है कौन? शायद तुम्हारे भाई रोशन का खूनी हो सकता है, उसने अपनी दुश्मनी निकाली। भैया की तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई झगड़ा वगड़ा था, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, मगर उनका एक कोर्ट केस चल रहा था। केस चल रहा था कोर्ट में? कैसा केस? जिस कंपनी रोशन काम करते थे, वहाँ के चेयरमैन ने रोशन पर 5 लाख रुपए का गबन का इल्जाम लगाया था। 5 लाख रुपए गबन का? तो क्या ये इल्जाम सही था? ये तो नहीं पता सर, पर कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया था। तो कोर्ट से छूटने के बाद वो वापस घर नहीं लौटा? नहीं, उन्होंने कहा था कि वो केस जीतने की खुशी में दोस्तों के साथ जश्न मनाने जा रहे। मुझे क्या पता था कि ये जश्न नहीं, मातम बनेगा, मातम। डॉक्टर साहब, आपको सिर्फ इतना बताना है कि जो खून पूर्वी के घर से मिला है वो पूर्वी का है कि नहीं। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। हाँ तो फिर बताते क्यों नहीं? यार ऐसे कैसे बताऊं, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा? पता तो चलना चाहिए पूर्वी जिंदा है कि नहीं। अभिजीत, ये डीएनए का मामला है, और आप लोग जानते हैं डीएनए की रिपोर्ट मिनटों में नहीं बन जाती है यार। हाँ, जितनी पूर्वी की आप लोगों को चिंता है उतनी मुझे भी है दोस्त। डॉक्टर तारिका फोन भी तो कर सकती है। हाँ कर तो सकती। तो फिर किया क्यों नहीं अभी तक? एक मिनट, आप भी तो कर सकते हैं। ठीक, मैं फोन करता हूँ। सर, सर रिपोर्ट्स आ गए। क्या पता चला तारिका? सर डीएनए रिपोर्ट ये कहती है कि जब खून का नमूना आप लोगों को पूर्वी के घर के ड्रेसिंग टेबल से मिला, सिर्फ वही खून पूर्वी का है, उसके अलावा जो भी खून मिला है वो पूर्वी का नहीं है। मतलब पूर्वी जिंदा है? लेकिन कब तक ये पता नहीं, क्योंकि जिस खूनी ने इतने लोगों के सर काटे हैं, कहीं वो पूर्वी को भी। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये जो सर कटी लाशें मिली हैं, उनके सर तो इस देव ने काटे हैं ना? नहीं अभी जी, ये जो खून हुए ये देव ने नहीं किए, ये खून किसी और ही ने किए। क्या मतलब? मतलब मैं बताता हूं, ये देखो, ये देव की ये दाएं हाथ की हथेली देखो, इस हथेली की चमड़ी यहां से देखो कितनी सख्त हो गई है, बजाय इसकी बाएं हाथ की हथेली की चमड़ी इतनी सख्त नहीं। मतलब ये ज्यादातर काम दाएं हाथ से करता हो? बिल्कुल, जबकि जो खून हुए हैं वो बाएं हाथ से हुए, मतलब खूनी खब्बू है। मतलब खूनी लेफ्टी है, ये आपको कैसे पता चला? मैं बताता हूं, देखो, ये देखो, रोशन की गर्दन पे ये वार देखो, ये ऐसे किया गया। देखो जब भी कोई दाएं हाथ का इस्तेमाल करता है तो वार इस तरीके से करता है, और अगर बाएं हाथ का इस्तेमाल करेगा तो वार इस तरीके से करेगा, जैसे ये रोशन की गर्दन पे है। ये देखो उस राजू की गर्दन पे भी ऐसे ही वार। एक बात और, ये पूर्वी के घर से आपको ये जो फोटो फ्रेम मिला है, ये देखो, इस पर भी ये इसी तरीके से वार किया गया है। यों। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी बेरूपिया हो और अलग अलग भेस बना सकता हो, इस बार देव का भेस बना के खून कर रहा हो? अच्छा डॉक्टर साहब, जो खून हुए हैं वो इसी ऑटोमेटिक सॉस से हुए हैं ना, जो हमें पूर्वी के घर में मिला था? हाँ भैया, राजू और रोशन दोनों के खून इसी से हुए,
और बहुत ही सफाई से खून किए। पता नहीं बेचारी पूर्वी को किसकी नजर लग गई, जब से सीआईडी में आई है उसके साथ कुछ ना कुछ हादसा हो ही रहा है। हाँ सर, वो एनकाउंटर वाले केस में तो वो सीआईडी से बाहर होते होते बची, और उसके बाद कबूतर वाले केस में उसके शरीर में जहर फैलते फैलते बचा, और अब ये केस। सर अगर हम ये मान के चले कि ये खूनी कोई सीरियल किलर है और एक के बाद एक खून कर रहा है, तो फिर भी सर वो हर किसी को तो अपना शिकार नहीं बनाएगा ना। जितने भी लोगों का खून हुआ है उनका इस खूनी के साथ जरूर कोई ना कोई संबंध होगा सर। मगर सर अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है सर। राजू और रोशन दोनों अलग अलग इलाकों में रहते थे। राजू एक किडनैपर था जबकि रोशन एक नौकरी करने वाला आदमी था, तो फिर इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? एक कनेक्शन है विवेक। वो क्या सर? देखो राजू ने किडनैपिंग की, रोशन ने अपनी कंपनी में गबन किया, और पूर्वी ने एक आदमी पे गोली चलाई। इसका मतलब खूनी उन लोगों को मारता है जो उसकी नजरों में गुनेगार हैं। सर पूर्वी ने कोई जुर्म थोड़ी ना किया है, उसने तो एक औरत को इंसाफ दिलाने की कोशिश की थी। ये तुम सोच रही हो काजल, उसकी नजर में पूर्वी भी उतनी गुनेगार है जितने की वो दोनों। हाँ अभिजीत, और ये खूनी यहां रुकने वाला नहीं है। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक एक एक मुजरिम को वो मौत के घाट नहीं उतार देता। हाँ, ये खूनी जिनका भी खून करना चाहता है सबकी पहले कुंडली निकालता है और मौका मिलते ही उन पर वार करता है। सर जिस लड़की की फोटो हमें देव के घर से मिली थी, ये लड़की भी कोई मुजरिम तो नहीं है? हाँ सर, हो सकता है, हो सकता है अगला शिकार वो लड़की हो। काजल जरा फोटो लाना लड़की का। से अच्छे घर की लड़की लगती है। मिनट, ये क्या है? अभिजीत यहां देखो, लड़की के पीछे रस्सी के उस तरफ इसे बैंक है, JVPD स्कीम। सर इस फोटो के पीछे जो बैंक दिख रहा है वो यही है। हाँ है तो यही बैंक, जिस तरह से फोटो खींचा है लगता है फोटो वहां से उस बिल्डिंग में से खींचा है। चलकर देखते हैं। सुनो, इसे पहचानते हो? हाँ, ये तो प्रेमियम साहब है। इसी बिल्डिंग में रहती है जी। कौन से फ्लैट में? फ्लैट नंबर 104। सचिन फोटो को देखकर लगता कि फोटो यहीं पे खींची हुई है। राकेश जी आप किसी देव नाम के आदमी को जानते हैं? नहीं सर। जरा सोच के बताइए, ये देव किसी पेस्ट कंट्रोल कंपनी में काम करता था? नहीं सर, मैं किसी देव को नहीं जानता सर। तो हो सकता है आपकी पत्नी प्रिया जानती थी उसे? नहीं सर, प्रिया भी किसी देव को नहीं जानती। लेकिन आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बात क्या है राखी जी? बात यह है कि हमें शक है आपकी पत्नी प्रिया की जान को खतरा है। क्या प्रिया की जान खतरे में? जी हाँ। लेकिन मेरी बीवी को कौन मारना चाहता है एक सर फिरा। लेकिन एक बात बताइए राखी जी, क्या आपकी पत्नी प्रिया ने कभी कोई गैर कानूनी काम किया है? नहीं तो? देखिए अगर किया है तो बता दीजिए, छिपाएंगे तो पछताएंगे। मैंने कहा आप लोगों से प्रिया ने कोई गलत काम नहीं किया है, आप लोग बिना वजह उसके पीछे पड़े हुए हैं। बिना वजह पीछे नहीं पड़े राकेश जी, ये फोटो देख लीजिए, प्रिया का ही है ना। ये फोटो हमें जिस जगह से मिली है इसे देखकर हमें लगता है कि प्रिया खूनी का अगला शिकार है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि प्रिया की जान बच जाए तो सच सच बताइए, क्या प्रिया ने कोई गैर कानूनी काम किया है? हाँ सर, एक जुर्म किया है। कैसा जुर्म? कुछ दिन पहले एक ज्वेलरी की दुकान से कुछ गहने चुराए थे। प्रिया इस वक्त कहाँ है?
सर वो कुछ सहेलियों के साथ डांडिया खेलने गई है। तुम्हें तुम्हारा पति बाहर बुला रहा है। कहाँ? कहाँ बाहर? वो उधर गेट के पास। HTS 93739। कहीं उसने प्रिया को कुछ करना दिया? चलो जल्दी चलो। कहीं पे दिख नहीं रही है, कहीं वो उसे यहाँ से कहीं और तो लेके नहीं गया। मगर उसकी गाड़ी तो अभी भी बाहर खड़ी है, उसे लेकर कैसे जाएगा? दोनों यही कहीं है। देखो प्रिया कहीं दिखती है क्या, ढूंढो। प्रिया को ढूंढ रहे हैं? जी हमारी फ्रेंड प्रिया है, पता नहीं कहाँ गुम हो गई। प्रिया आप ये फोटो देखिए, क्या यही प्रिया है? हाँ यही है, वही है। प्रिया को किसी आदमी के साथ देखा? कोई आदमी जी, एक आदमी था उसको बाहर लेकर चला गया। अच्छा उस तरफ लेके गया। थैंक यू, चलो सचिन। इसे हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। प्रिया, प्रिया, प्रिया क्या हुआ तुम्हें?
ये बाइक वाला कहाँ गया? उधर साहब। उधर गया? देखो सर। निकल गया। निकल के जाएगा कहाँ वो? उसकी गाड़ी अभी भी वहां ग्राउंड के बाहर खड़ी है। चलो के धब्बे। ये देखिए, तो पूर्वी का ही रिंग है। पूर्वी का रिंग? हाँ सर। मतलब पूर्वी को इसी गाड़ी में किडनैप किया गया था? सर। अनिकल, अनिकल क्या हुआ? यहाँ पे खून पड़ा हुआ है। ओह, ड्राइवर सीट पे खून। ये खून शायद खूनी का हो सकता है। सर, सीट के नीचे ये पैम्पलेट मिला है। अक्सर ट्रैफिक सिग्नल पे बांटे जाते हैं। सर, हो सकता है ये पॉम्फलेट किसी ऐसी जगह पे बांटा गया हो जहाँ खूनी का ठिकाना है। लिंक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में छापा गया है पर्चा। सचिन, एडवर्टाइजिंग एजेंसी कहाँ है ढूंढो। ये पर्चा कहाँ कहाँ बांटा गया है वहीं से पता चलेगा। ये रावण तुम लोग अगले साल के दशहरा के लिए बना रहे हो या शाम के लिए? आज शाम के लिए साहब। आज शाम के लिए? ऐसा लगता तो नहीं। तुम लोगों ने मेरा नाक कटाने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। आखिर ये बनेगा कब? अरे चिंता मत कीजिए साहब, रावण 2 घंटे में तैयार हो जाएगा। 2 घंटे में अगर रावण तैयार नहीं हुआ ना तो याद रखना तुम लोगों का रावण बना दूंगा। अरे क्या बात करे साहब। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए। आप इन लोगों से सिर्फ इतना कह दीजिए कि रावण का धड़ बना दे। सर बनाने की जिम्मेदारी मेरी। पर इतने कम समय में तुम सर कैसे बना लोगे? सर देखिए, मैं बहुत दिनों से रावण के सर के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं आपको ऐसे सर बना के दूंगा कि आप लोग भी देखते रह जाओगे, एकदम असली। देखो भैया, इसका कुछ पता नहीं ये बनाएगा या नहीं, पर मुझे 2 घंटे में पूरा रावण तैयार चाहिए, समझे? जी सर। सर, यही वो लड़के जो पैम्फलेट बांटते हैं। अच्छा, तो तुम लोग पैम्फलेट बांटते हो? जी सर। वैसे तुम्हारे इलाके अलग अलग होंगे ना? जी। तुम कौन से एरिया में बांटते हो? रेवानगर। रेवानगर में। और तुम? सुषमा नगर। सुषमा नगर। और सर कमला नगर। कमला नगर। जी सर। वैसे दिन में कितने पैम्फलेट्स बांटते हो कमला नगर में? सर यही कोई 250 से 300। 250 से 300 कमला नगर में। सर याद करके बताओ, कुछ दिन पहले क्या तुमने किसी डेवोनेट गाड़ी में कोई पैम्फलेट डाला था? सर एक्चुअली पैम्फलेट डालते वक्त गाड़ी देखने का टाइम नहीं होता। हम लोग तो पैम्फलेट खिड़की में डालते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, बड़ी मेहनत करते हो तुम लोग। कमला नगर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी कमला नगर में रहता हो? सचिन, मुझे भी यही लगता है। इसीलिए तो मोटरसाइकिल पर भागने के बाद उसने मोटरसाइकिल कमला नगर के कंपाउंड के बाहर पार्क की और फिर गायब हो गया।
और इस लड़के ने भी वो पैम्फलेट कमला नगर में ही खड़ी गाड़ी में डाला था। कमला नगर, ये खूनी कमला नगर में ही रहता होगा। यहाँ आसपास कोई लाल रंग की डेबिनेट कार देखी क्या? लाल कलर की डेबिनेट कार? हाँ, XDS93739 उसका नंबर है। अरे भाई साहब सुनिए, आपने यहाँ कोई आसपास लाल रंग की डेवोनेट कार देखी है क्या? नहीं। अब आपने देखी है? नहीं नहीं देखी। काम की खोटी क्यों कर रहे हो? काम धंधा नहीं आपको? अरे परेशान कहाँ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आपने यहाँ आसपास कहीं कोई लाल रंग की गाड़ी देखी है क्या? मैं अपने ग्राहक देखूँ कि तुम्हारे लाल रंग की गाड़ी देखूँ यार? अरे मैंने कब कहा कि आप ग्राहक मत देखो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपने आसपास जाते समय कहीं कोई लाल रंग की गाड़ी देखी है क्या? कौन सी भाषा में बोलूँ आपको, नहीं देखी है गाड़ी यार। अब आपने सचमुच नहीं देखी क्या? अरे दिमाग की का? सीधे सीधे बोलो ना, दिखी नहीं है करके। अरे कब से क्या बोल रहा था? Excuse me, एक मिनट। आपने यहाँ पर लाल गाड़ी को आते जाते हुए देखा जिसका नंबर XDX93739 है? हाँ मैम देखा है। कहाँ देखा? यहीं पे रोड पे आते जाते। थैंक यू। वेलकम। सो हाँ सर, एक आदमी ने यहाँ पर लाल गाड़ी को आते जाते हुए देखा है सर। तुमने गाड़ी देखी है? हाँ सर, यहीं लाल रंग की गाड़ी पार्क होती है। मालिक कौन है कुछ पता है? पता नहीं सर, वो सामने वाले बंगले से आता है वही मालिक होगा। सामने वाले बंगले? चलो दिखाओ बंगला कौन सा। वो वाला साहब। दिखाओ जरा। वो वाला सर, वो। वो बंगला? हाँ जी सर, वो वो। थैंक यू जी। खूनी के घर का पता चल गया, जल्दी आओ। बुरा सरफ जाओ, हम इधर जाते हैं।
माय गॉड, पता नहीं कितने लोगों को मारा है इसने। अंदर जाने का रास्ता मिल गया। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। नौ, दस। दो सर और मिल जाएं तो मेरा ये 10 सर वाला रावण तैयार हो जाएगा। कहां से लाऊं 2 सर? कहां से लाऊं? दो सर नहीं, मुझे तो एक ही सर चाहिए। नवा सर तो है, यही है। वो रहा मेरा नवा सर। मैंने सोचा था तुम्हें जिंदा रख के सीआईडी वालों को तड़पाऊंगा, अब तो तुम्हें मारना पड़ेगा। मुझे मेरे रावण के 10 सर जो बनाने हैं। पर तुम घबराना नहीं, एक एक करके मैं सारे सीआईडी वालों को ऊपर पहुंचा दूंगा। सिर, नहीं अभिजीत, ये तो असली लोगों के सिर है। असली लोगों के सिर काट के रावण बना रहा है। एक बात देखी तुमने अभिजीत, सिर्फ 8 लोगों के सिर है, मतलब 2 बाकी है रावण के 10 सिर बनने में। मतलब 2 खून और करेगा सर। हाँ अभिजीत। सर पूर्वी कहीं नहीं दिख रही है, इसका मतलब वो जिंदा है सर। पता है खून पूर्वी को साथ ही लेकर गया होगा। मगर सर पूर्वी को कहां ले गया होगा वो खूनी? रावण किसी ऐसी जगह लेके गया होगा जहां पे रावण चलने वाला है। गीत पता लगाओ, रावण दहन कहां होने वाला है। चल, तुझे नहीं छोड़ूंगा, सीआईडी वाले तुझे बचा लेंगे। नहीं, तेरा गला तो मैंने नहीं काटा है, लेकिन इस रावण के साथ तुझे मैं भी जिंदा जला दूंगा। मैंने कसम खाई है, समाज के हर पापी को, हर गुनेगार को रावण की तरह जला दूंगा मैं। चल, तू भी गुनेगार है, तुझे भी सजा मिलेगी। इस रावण के साथ जिंदा जलाऊंगा तुझे। चल चल चल। Thank you.
फैल जाओ सब लोग। अभिजीत देख जल्दी अच्छी तरह से ढूंढो। फैल जाओ अच्छी तरह से देखो। नहीं है कहीं पर भी नहीं दया ये हो ही नहीं सकता। पूर्वी यहीं पर होगी देखो ढूंढो उसे अच्छी तरह से। भाइयों और बहनों अब रावण दहन होने वाला है। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए वहां से। पूर्वी रावण के अंदर है। रावण के अंदर ढूंढो उसे। बोलो श्री रामचंद्र की जय। 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 रुक जाओ। मैंने जो किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। आठ आठ खून करने के बाद भी इसे अफसोस नहीं। किस बात का अफसोस? मैंने जिन्हें मारा है वो रावण थे। रावण इस समाज के अपराधी थे, गुनेगार थे वो। दिमाग घूम गया है तुम्हारा, पागल हो गए हो तुम। कौन कितना बड़ा पापी है इसका फैसला कानून करता है, तुम जैसे सरफिरे लोग नहीं, समझा? अरे किस कानून की बात कर रहे हो? वो कानून जिसने मेरे बेगुनाह बाप को फांसी चढ़ा दी। बेगुनाह थे वो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आम आदमी अपने हाथ खून से रंगने शुरू कर दें। तो चढ़ा दो मुझे भी फांसी पे। नहीं रहना है मुझे ऐसे समाज में जहां गुनेगार भी सरेआम घूम रहे हैं और बेगुनाहों को फांसी दी जा रही है। गुनेगार तो तुम भी हो। आठ आठ खून किए तुमने, आठ आठ फांसी तो तुम्हें होकर ही रहेगी।